सभी को फोन करके बता दीजिएगा कि अगर चैन से 2 जून की रोटी खानी है तो 1 जून को साइकिल का बटन दबाना है। सांसद जी पूछो, ए सांसद जी आप निधि कहाँ खर्च की है? सांसद निधि तो कहेंगे हर हर महादेव। आपके सांसद जी अपनी बेटी का मान सम्मान नहीं रखते, अपने पत्नी के मंगल सूत्र का मान नहीं रखते और दूसरों के पत्नी के बारे में बात करते हैं। वो बाहरी है, मैं घर की हूँ। वो बाहरी है, मैं लोकल भौआ पार की हूँ। और आपके विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा, योगी जी भाजपा, मोदी जी भाजपा, राज्य में भाजपा, केंद्र में भाजपा, हर एक नेता अगर भाजपा के है तो रामराज क्यों नहीं आया? ये सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये कहती हम राम को लाए। राम को कोई ला सकता है? किसका शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ, अरे अब होगा भी नहीं। इतनी महंगाई वाली सरकार में शादी नहीं होगा। जयपुर की इस पावन धरती पर उपस्थित सभी परम आदरणीय सम्मानित मेरे कार्यकर्ता गण, आप सभी का सर्वप्रथम स्वागत करती हूँ कि सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशी राम जी, श्रद्धे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, माँ वीरांगना फूलन देवी जी, सदैव पूजनीय जमुना निषाद जी और उन सभी जिन्होंने अपनी जवानी एवं जिंदगानी से देश के नाम कुर्बान कर दी, उन सभी को शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। सर्वप्रथम शोभायमान मंच पर सुशोभित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान अखिलेश यादव जी, आदरणीय कांग्रेस पार्टी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ आदरणीय नेतागण, मेरे अध्यक्ष जी, मेरे प्रभारी गण, सभी सभी से मैं और आप सभी जो यहाँ भारी मात्रा में आए हैं, सभी परम आदरणीय पिताजी, परम आदरणीय माताएं, हमारे एक एक जुझारू कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी एक एक जुझारू कार्यकर्ता, आप सभी का मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, एक सोशल एक्टिविस्ट यानी एक समाज सेवी, एक चित्रकार, एक पेंटर और आपकी लोकल प्रत्याशी भौआ पार गोरखपुर की रहने वाली, आप सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। ये लोकसभा का चुनाव है, 5 विधानसभा इसमें पड़ेगा, गोरखपुर शहर, ग्रामीण, कैंपियरगंज, पिपराइच, सहजनवा, सब जगह अपने नात बात रिश्तेदारों को बता दीजिएगा 5 विधानसभा है और अब 5 ही दिन बचा है। सभी को फोन करके बता दीजिएगा कि अगर चैन से 2 जून की रोटी खानी है तो 1 जून को साइकिल का बटन दबाना है और अपनी बहन बेटी काजल निषाद को जिताना है। यह इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर एक नेता, अगर भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता अगर पद पे रहेंगे तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? आपका विधायक भाजपा, सांसद भारी है फिर भी भाजपा, सांसद जी पूछो, ए सांसद जी आप निधि कहाँ खर्च की है? सांसद निधि तो कहेंगे हर हर महादेव। इस तरह का जवाब देते हैं, आपके सांसद जी अपनी बेटी का मान सम्मान नहीं रखते, अपने पत्नी के मंगल सूत्र का मान नहीं रखते और दूसरों के पत्नी के बारे में बात करते हैं। वो बाहरी है, मैं घर की हूँ। वो बाहरी है, मैं लोकल भौआ पार की हूँ। और हर एक नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो आपकी कौन आवाज उठाएगा? आपके विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा, योगी जी भाजपा, मोदी जी भाजपा, राज्य में भाजपा, केंद्र में भाजपा, हर एक नेता अगर भाजपा के है तो रामराज क्यों नहीं आया? तो अच्छे दिन क्यों नहीं आए? क्योंकि हम लोग रोटी की तरह सरकार को पलटते नहीं है। जैसे हमन के रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, जैसे रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, एक तरह रही तो जल जाई ना तो कच्चा रह जाई, वही तरह सरकार के भी अल्टी पल्टी कर जाला, तब सरकार के देहिया में डर रही। और ये सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये कहती हम राम को लाए। राम को कोई ला सकता है? अरे सदियों से थे,
मन मन में है, कण कण में है। हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतय नमः। हम भी कहते हैं, लेकिन जरूरी क्या है ये मुद्दों पर बात नहीं करती। जरूरी बा जब बार देख हुआ तो का पूछल जाई, जब बार देख हुआ आई तो पूछल जाई लड़का कितना पढ़ा लिखा बा, लड़का कौन नौकरी करता, लड़का कितना कमाई करता, ई ना पूछल जाई। ई नहीं ना पूछल जाई कि अरे भाई लड़का कितना घंटी घुमावता, लड़का कितना कावड़ ढोवले बा, के लड़का कितना राम राम से पता, ई पूछाई। बार देख हुआ आई तो समझी लोगन ही पूछी कि लड़का कितना कमाता, लड़का कौन नौकरी करता। यहाँ शादी किसका नहीं हुआ भाई? अध्यक्ष जी का हमारे शादी नहीं हुआ है। किसका शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे अब होगा भी नहीं, कैसे होगा इतनी महंगाई वाली सरकार में शादी नहीं होगा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा 14 साल का संघर्ष है तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया। आपकी बहन बेटी का वनवास खत्म करिए। 1 तारीख को हमारा जन्मदिन है तो 1 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एवं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।